हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन के बारे में जानेंगे कि हमारे कंट्री में कौन कौन से टैक्स लगते हैं। ठीक है, जीएसटी क्या है, कितने टाइप्स की जीएसटी होता है, इसके बारे में हम करेंगे। ये चैप्टर है 15, टैक्सेशन अप्लाइड मैथ का। ठीक है, 11th क्लास का। तो आइए करते हैं। टैक्सेशन एक्चुअली होता क्या है? टैक्सेशन वो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा या उसके जो एजेंसीज हैं वो सर्विस पे सर्विस टैक्स वगैरह लगाते हैं, या फिर बिजनेस पे या सिटीजन पे जो टैक्स लगाते हैं उसी को हम टैक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं अब, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट या उसके जो एजेंसीज होते हैं, एजेंसीज वो किस पे टैक्स लगाती है? सिटीजन पे या फिर बिजनेस पे? तो उसको हम टैक्सेशन कहते हैं। टैक्स एक्चुअली टू टाइप्स के हैं। टैक्स है टू टाइप्स के, एक तो है इनडायरेक्ट टैक्स और एक है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम डेली यूज करते हैं सामान, हमें पता नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं। जैसे आपने एक पेन ख़रीदा तो आपको पता नहीं है, आप तो गए, 5 रुपये का पेन था, 5 रुपये दे दिए, आपको पता ही नहीं है कि मैं टैक्स दिया हूँ, लेकिन उसमें एक्चुअली टैक्स लगा हुआ होता है। तो वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमें पता नहीं चलता है। उसमें सेल्स टैक्स आते हैं, सर्विस टैक्स आते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, बैट, जो कि पहले हम करते थे, 8th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन था ऐसे ही इससे रिलेटेड हुए रिलेटेड एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक्साइज ड्यूटी जो होता है हमारे कंट्री के अंदर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, उत्पादन जिसको कहते हैं, यानी कि उस पर जो टैक्स लगती है उसी को हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, और अगला है वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो होता है जो चीज़ें बाहर की कंट्री से हमारे देश में आ रही है। ठीक है, जैसे पेट्रोल है वो आ रहा है, इतनी महंगी होती जा रही है, क्यों? उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगता है इसलिए। तो कस्टम ड्यूटी उन चीज़ों पे लगती है जो बाहर से चीज़ें आती हैं हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये सबको एक साथ मिला करके, जैसे मान लिया कोई दिल्ली से कहीं और जा रहा है, या हरियाणा से पंजाब जा रहा है, पंजाब से मध्य प्रदेश जा रहा है, तो उसको कई जगह कई सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ठीक है, तो सबको मिला करके और एक ही टैक्स बनाया गया, यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे वो सबको 2070 में मिला करके और एक टैक्स बना दिया जिसको हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यानी कि इसका मेन मकसद था वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, है ना? अब जैसे पहले कई बार उसे टाइम वेस्ट होता था, इसके जीएसटी के कई सारे फायदे भी हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, आप प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं, जो टैक्स हमें पे करना पड़ता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, आपका जैसे हाँ प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका जो सैलरी टैक्स है, जो आप जैसे काम करते हैं, फिर टैक्स आपको इनकम टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स है, उसको हम पे करते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आप इसमें और भी आएगा, जैसे किसी को हम गिफ्ट करते हैं गिफ्ट, तो गिफ्ट टैक्स भी इसी के अंदर आता है, तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी। जैसे इसमें डीलर होता है, डीलर किसको कहते हैं? तो जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होता है और वहाँ से जो वो ख़रीदता है डीलर। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कंपनी या फर्म, कंपनी या फर्म कह सकते हैं, वो डीलर होता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स होता है इसके अंदर। इंट्रा स्टेट सेल्स किसे कहते हैं? जो स्टेट के अंदर टैक्स लगती है जी, यानी कि जो स्टेट के अंदर है, जैसे बिहार है तो बिहार के अंदर, या राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर जो टैक्सेस लगेंगे उसको हम इंट्रा स्टेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मध्य प्रदेश की कोई चीज़ है, वो बेचा राजस्थान को या वो बेचा पंजाब को, तो वहाँ जो टैक्स लगा उसको हम इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के द्वारा।
अब इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी किसको कहते हैं? देखिए, इनपुट जीएसटी जब डीलर जीएसटी पे करता है ना, जब वो सामान खरीदेगा तो जो जीएसटी पे करता है उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। और जो कस्टमर होता है, जैसे मान लिया आप कोई डीलर है बहुत बड़ा, वो बहुत सारे टीवी खरीद करके लाया अपने पास, तो वो जो जीएसटी पे किया उसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। लेकिन जब आप खरीदने के लिए गए वन टीवी खरीदने के लिए गए, तो उस पर जो आपने पे किया वो आउटपुट जीएसटी कहलाता है, ठीक है? यानी कि जो कस्टमर से लिया जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना, सामान होता है 1500 का और हमें देना पड़ता है कितना, 2000, क्योंकि उसमें जीएसटी लगाना पड़ता है, जीएसटी ऐड करना होता है। तो आउटपुट जीएसटी उसको कहते हैं जो कस्टमर के द्वारा दिया जाता है या कस्टमर से लिया जाता है। अब कुछ है टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने सारे टैक्स होते हैं? एक तो होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल का होता है, सेंट्रल है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या यूटी मीन्स यूनियन टेरेटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, या तो यूनियन टेरेटरी जीएसटी दो। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी वही हो गया इंटर, ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसमें खासकर जैसे बाहर से कोई चीज़ें आ रही है तो उस पर जो लगता है, या फिर एक जो स्टेट है दूसरे स्टेट को अगर बेच रहा है कोई चीज़, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, उसको हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और हम आगे करेंगे, इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले इससे रिलेटेड रेट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम थोड़ा देखेंगे कि जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग अनपैकेज फूड, यानी कि जो अनपैकेज फूड है उस पर भी, और जितने भी इसेंशियल चीज़ हैं जिससे कि मनुष्य जीवित रह सकता है, उस पर 0% का जीएसटी लगता है टैक्स, ठीक है। लेकिन कॉमन यूज आइटम, जैसे घर में आप कॉमन चीज़ें हैं यूज करते हैं, यानी कि सबके लिए कॉमन है, अब जो चीज़ें भी कॉमन है जैसे साबुन है कि नहीं, क्लोथ्स वगैरह हैं, तो ये सब पर जो है 5% का टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड रेट, जो स्टैंडर्ड रेट है एक्चुअली हमारे कंट्री में जो जीएसटी का है वो 12% है ना, जो चीज़ों पे लगाई जाती है। जैसे मान लिया आप टीवी खरीद ले रहे हैं या फिर कोई जेवर खरीद रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपको 12% का, जो स्टैंडर्ड रेट है उसकी बात का। मैक्सिमम गुड्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में मैक्सिमम गुड्स है और ऑल सर्विसेज है, रेट है उस पर 18% का लगता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुड्स आप खरीदते हैं, मतलब सामान खरीदते हैं गुड। लग्जरी एंड सीन आइटम, जितने भी लग्जरी आइटम्स अगर खरीदते हैं आप, या टोबैको वगैरह जैसे सीन आइटम्स हैं, उसको सीन आइटम्स कहा जाता है, उस पर 28% का टैक्स लगता है, ठीक है। अब है कि जो डीलर होता है, एक्चुअली डीलर कैसे पे क्या करता है? डीलर को पे करना पड़ता है नेट जीएसटी। जो डीलर रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के अंतर्गत, उसको एक्चुअली नेट जीएसटी पे करना होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। हमने देखा था कि आउटपुट जीएसटी क्या होता है, तो आउटपुट जीएसटी जो कस्टमर के द्वारा लिया जाता है, और इनपुट जीएसटी जो डीलर पे करता है खरीदते समय, तो इसको कहते हैं नेट जीएसटी, ठीक है। तो ये हमने अभी तक ये सारी चीज़ें देखा है। अब इससे रिलेटेड आगे जो है, ये तो कंसेप्ट था एक टैक्सेशन का कि कैसे किस पे कितना लगेगा, कौन कौन से होते हैं, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये तो बाद में देखो। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज ₹4000, यानी कि एक कोई आर्टिकल है जो कि एक दुकानदार है वो डीलर से खरीदता है, फ्रॉम अ होलसेलर से खरीदता है, और उसके प्राइस कितने हैं? 4000 है, मतलब प्रिंटेड प्राइस है, उस पर लिखा हुआ है 4000, लेकिन डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि एक शॉपकीपर एक डीलर से कोई आर्टिकल खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है 20% के डिस्काउंट पे, कितना? 20% के डिस्काउंट पे खरीदता है,
एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, और एक कंज्यूमर को यानी कि जो दुकानदार है अब कंज्यूमर को वो प्रिंटेड प्राइस पे ही बेचता है। तो इसमें निकालना इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, अगर सेल्स इंट्रास्टेट है द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यहाँ पे कितना है 12% का जीएसटी देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, यानी कि वो शॉपकीपर कितना पे जीएसटी लगा करके उसको कितना पड़ा, टोटल जो है जीएसटी लगा करके उसको कितना का पड़ा। तो देखते हैं इसमें मान लिया जाए, सॉल्यूशन हम करते हैं, तो इसमें प्रिंटेड प्राइस कितना है 4000 है, ये है आपका प्रिंटेड प्राइस, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है प्रिंटेड प्राइस 4000 है। ठीक है, अब इस पर 20% डिस्काउंट है तो ये कितने का पड़ा, तो 4000 माइनस 4000 का 20% है ना, ये हो जाएगा, यानी कि 4000 माइनस 4 दुनी 8, यानी कि 3200 रुपये, ये तो 3200 रुपया पड़ा जो प्रिंटेड प्राइस था उसमें से डिस्काउंट करके 20%। अब इसके ऊपर जीएसटी देना है कितने परसेंट का, 12% का, इंट्रास्टेट है तो जीएसटी अगर देना है तो हम पहले इसमें क्या लगाएंगे, सी जी एस टी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये हो जाएगा 3200 का कितना परसेंट, 6% होता है ना, 6% होता है, तो ये इससे कट गया, एक कट गया, यानी कि ये हो गया 6 दुनी 12 6 3 18 और 1 19, यानी कि 192 रुपया सी जी एस टी लग गया। और इसमें अब स्टेट एस जी एस टी लगेगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो इसको भी 6%, ये हो गया इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये भी 192 रुपया हो गया। तो टोटल जितना पे वो ख़रीदा यानी कि जो शॉपकीपर है वो कितना पे ख़रीदा है, ये जो है वो कितना पे ख़रीदा है वो देखते हैं, तो टोटल कितना पे ख़रीदा, तो ये दोनों को क्या करेंगे, यानी कि हमारा ये 3200 रुपया है, तो 3200 द प्राइस एट विच वो ख़रीदा कितना पे, प्राइस एट विच ही बाउट कितना पे ख़रीदा, तो 3200 प्लस 192 प्लस 192 यानी कि दोनों जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 9 9 18 18 और 1 19, 1 1 2 2 2 4 और 1 5 यानी कि 3594 रुपये, यानी कि 3594 रुपीज़ में शॉपकीपर को ये चीज़ें पड़ी, यानी कि जो शॉपकीपर है इतने रुपये का ख़रीदा। हाँ, तो देखो एक और क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, पहले वाले में हमने देखा कि कितना उसको जीएसटी पे करना पड़ा, जीएसटी के साथ कितना पे किया उसने डीलर को, अब है कि शॉपकीपर को स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ता है। तो देखिए पहले हमने निकाला था CGST, ये कितना था 192 था, और SGST ये कितना था 192 था। अब चूंकि ये जो शॉपकीपर है उसको कितने रुपए में बेचता है, 4000 में, तो 4000 का 6% निकालना पड़ेगा हमें, यानी कि 4000 का 6% कितना होगा, ये मान लो हम CGST निकालते हैं, ये हो जाएगा 6 6 24 240, और SGST ये हो जाएगा आपका 100, तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये भी 240। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को 240 रुपया जो है पे करेगा। अब हमें कहते हैं कि शॉपकीपर एक्चुअली कितना स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को देखें तो इसके लिए क्या हो गया, यानी कि 240 और ये कितना है 192, ये माइनस कर देंगे तो SGST टोटल SGST कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 और माइनस, ठीक है, SGA 192, यानी कि 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बच गया 13 में से 9 गया 4 और RS 48, ठीक है, ये जो है 48 रुपीज़ उसको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो देखिए
हमने दो क्वेश्चन कर लिए, एक थर्ड क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उसको जीएसटी मिलता है। तो देखते हैं, तो देखिए हमने देखा था कि जो सीजीएसटी, जो सीजीएसटी पे किया गया था शॉपकीपर के द्वारा, वो कितना 192, ठीक है, और ये जो है, और 192, और जो ये तो हो गया 192 जो उसके द्वारा पे किया गया, और जो डीलर के द्वारा कितना पे किया गया, और नेट जो जीएसटी पे किया था शॉपकीपर वो कितना था, 48 था, है ना। तो ये हो गया आपका 48 था, ये 48, तो ये टोटल सीजीएसटी कितना हो जाएगा जो पे किया है, अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना रिसीव्ड हुआ, तो टोटल जो सीजीएसटी है वो टोटल हो गया 8, 2, 10, 9, 13, 14, 1, 1, 2, यानी कि टोटल जो जीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला वो 240 रुपये का मिला है। अब हम बात करते हैं कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, ये जो कंज्यूमर है यानी कि जो खरीदा, मान लो मैं कंज्यूमर हूँ, दुकान पे गया, वहाँ से जो 4000 के सामान खरीदा, तो मुझे एक्चुअली कितना का वो पड़ा, तो 4000 तो ये था, ठीक है, प्लस सीजीएसटी देना पड़ेगा, प्लस एसजीएसटी देना पड़ेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, ठीक है, 4000 तो प्राइस ही है, तो ये पड़ गया हमारा 4000 प्लस सीजीएसटी कितना लगा था, 240, 4000 पे देख लो 6%, 4000 का 6% हमने अभी निकाला था, 240, ठीक है, उसी तरह से एसजीएसटी भी 6%, तो ये भी 240, ये भी 240, तो कितना हो गया टोटल, 0448, 2 और 2, 4, यानी कि 4480 रुपये का वो आर्टिकल कंज्यूमर को पड़ेगा जीएसटी देने के बाद, यानी कि जो 12% का जीएसटी है वो 6% होता है सीजीएसटी और 6% होता है एसजीएसटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें।